गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका डॉट आरुषि। मैं हूँ प्रियंका। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी से इस ब्लॉग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आरुषि का स्कूल आज नहीं था, आज छुट्टी था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट से सो करके उठे हैं। आरुषि का स्कूल आज नहीं था इसीलिए हम थोड़ा सा लेट से सो करके उठे हैं। और आरुषि अभी ये ब्रश कर रही है, सुबह का पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है, अब बना रहे हैं चाय। शेर का भी उल्टा होता है क्या? ये उल्टा नहीं है, तो सही तो है। आंख नीचे हो गया था उसका। अब ठीक है? पानी बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज्यादा। एक एक हफ्ता में पानी बदलना चाहिए, लेकिन कितना दिन हो गया? 2 हफ्ता हो गया ना।
ऊपर की तरफ साफ है लेकिन नीचे ही गंदा है ना। निकाल दो, सुबह उतर रहे हैं सब। में से एक मछली मर गया, ये ब्लैक वाला, बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है। बुरा लगता है। हाँ मम्मी सुनो ना, होता है इतना गंदा? नहीं पूरा काला हो गया है, देखो तुम्हारा हाथ ही नहीं दिख रहा है। और लाना पड़ेगा मुझे, है ना? लाना होगा। कुछ चल जाएगा, कुछ चल जाएगा। तुम देखोगे। दोनों सामने लड़ाई कर रहे हैं बाबा। बाबा ऐसा पानी पी जाए। नहीं रख लेंगे। ये छेदा कैसे हुआ इतना? मेहरबान। अरे वो तो पानी भी है। तो फिलहाल के लिए गोडियम हो गया है साफ, मतलब ये जो है इसको, ये अभी साफ हुआ है, टैंक अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। अब बाहर ये कॉलिन से साफ कर दूंगी, बस हो जाएगा। ये जो सब है ना, ये सब भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। बुद्धा जी का मूर्ति, अरे हमारी मछलियाँ, अभी तो उसे भी साफ करना बाकी है। और यही नहीं, एक और है, उसे भी साफ करना है। ब्लर करता है, हो गया छोटू? अभी तो शुरू हुआ, तब से नहीं हुआ था? नहीं तो मोबाइल ऐसे रखे। आज सुबह से उठने के बाद से ही थोड़ा सा भी बैठने का मौका नहीं मिला। चाय बना के ले गए तो देख रहे हैं कि नवीन साफ कर रहा था एकोडियम, तो साथ साथ एकोडियम साफ कर दिए, वो पानी निकाल दिया, बाकी हम कर दिए। उसके बाद सब रूम साफ किए, तीनों एकोडियम साफ किए। उसके बाद कपड़ा धोए, और कपड़ा बाकी है अभी धोने के लिए। उसके बाद फ्रिज में भी मम्मी मछली देकर गिर गई, तो फ्रिज में अभी रखने के लिए जा ही रहे, तो देखें कि फ्रिज भी थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो हम सोचे लगे हाँ किसे भी साफ कर ही देते हैं जब कर ही रहे। तो
नहाने के बाद मुझे बाल सुखाने का भी टाइम नहीं मिला। कपड़े वगैरह ऊपर मैं छत में डाल दूंगी अच्छे से, उसके बाद एक बार नहा लूँगी फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो ऊपर का ये जो कुर्ती है ना, ये भीग गया है पसीने की वजह से। आरुषि नहीं, आरुषि गई अपने दादी के साथ, काका दादू के घर में अपना, वो आ जाएगी तो फिर उसे नहला दूंगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ नहा लूंगी एक बार। ये जो काम वाली है ना मीरा दी, सच में एकदम काम नहीं करती। वो कपड़ा भी धो करके जाती है ना, तो मुझे एक बार फिर से उसको अच्छे पानी से साफ करके फिर धोना, मतलब डालना पड़ता है। ऐसे ही धो करके भाग जाती है, और सब कपड़े में ना सर्फ लगा हुआ रह जाता है, एकदम से लगता है कि सर्फ है एकदम। तो अच्छे से मुझे 2-3 बार पानी में डाल के खंगार के उसके बाद हमको ऊपर छत में डालना पड़ता है कपड़ा। बहुत जल्द इसमें ना किसी तरह से करवा लेती हूँ। उसके बाद एक जगह में बात किया, एक जगह में क्या बात किया, जो मतलब मौसी है ना, हमारी मौसी के घर में काम करती है, उसी को मैंने बोला है काम करने के लिए, तो बोली है नेक्स्ट मंथ से देखते हैं, तो उसी को रख लेंगे सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो अभी अभी सारा काम ख़त्म करके मैं बैठी, और ये क्या हो गया, आरुषि ना सिर्फ काम बढ़ाती है और कुछ नहीं, ये जो जेली होता है ना, ये वाला बेड में ही छोड़ करके चली गई। और ये जब मतलब ऐसे हवा लगते लगती है पूरा जम जाता है, तो क्या होता है पता है, हाँ सूख जाने के बाद पापड़ जैसा बन जाता है। इससे ना इतना डेंजर, हाथ वगैरह कटता है। तो काम वाम खत्म करके अभी मैं जस्ट थोड़ा सा बैठी। काम वाली के भरोसे अगर एक दिन छोड़ दें घर ना, तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। एकोडियम साफ करने में ही हालत ख़राब हो गया एक्चुअली, 3-3 साफ करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। और फिर एक मछली आज मर भी गया, तो उसी की वजह से और मन ख़राब हो गया। तो मैंने क्या किया कि नहीं आज ही, तो नबीन वो हाथ लगा ही दिया था सुबह सुबह, तो उसके साथ साथ मैं भी लग गई, वो चला गया ऑफिस। उसके बाद आज हम लोग वैसा कुछ ब्रेकफास्ट बनाए नहीं थे, दूध कॉर्नफ्लेक्स ही खाए हैं हम लोग, तो वो तो चला गया ऑफिस। फिर मैं लग गई काम में, फिर पूरा फ्रिज साफ किया, किचन साफ किया। किचन में वो क्या साफ करती मुझे समझ में नहीं आता है, एकदम गंदा का गंदा पड़ा हुआ है किचन। खाना बनाते बनाते आया गया आइसक्रीम वाला, तो मैंने ले लिया। मुझे तो खाना बनाते बनाते कुछ ना कुछ खाने में अच्छा लगता ही है। आरुषि के लिए भी एक ले लिया है, लेकिन उसे मैं अभी नहीं दूंगी, उसे दूंगी शाम को जब ट्यूशन जाएगी तब। आइसक्रीम की वजह से ना वो ट्यूशन
जल्दी जाएगी भी। अभी आई है आरुषि। पूरा कपड़ा भींगा ली? नहीं। भींग गया है, बोलती है नहीं। बहुत लेट कर दिया आने में। आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अब खिला देते हैं फटाफट से आरुषि को खाना, फिर मैं भी खा लूँगी। मीरा दी आती होगी काम करने के लिए, क्योंकि आरुषि बंद करो बंद करो बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, ऐसे चल रहा है। मैगी अभी पागल हो गई है। तो हम लोग का खाना पीना हो गया है ख़त्म, खाना हम लोगों ने खा लिया और मीरा जी भी आ गई है, काम कर रही है वो। और बाहर लग रहा है जोरों की आने वाली है अभी बारिश, कि बाहर में अंधेरा हो गया है एकदम। तो जल्दी से आरुषि को सुला देते हैं, उसके बाद आरुषि जाएगी उठ कर के ट्यूशन। चलो चलो। तो आरुषि को तो मैंने सुला दिया है, अब चलते हैं थोड़ा छत में देख के आते हैं जो पौधे लगाए थे मैंने वो सही सलामत है कि नहीं। मेरा भी काम कर रही है। और ये मेरा एप्पल का पौधा बहुत खिल गया है पहले से। ये डहनी नहीं थी, ये यहाँ तक का पौधा था। ग्रो तो कर रहा है, पता नहीं अब देखते हैं क्या होता है। और वो आने वाली है बहुत ज़ोर की बारिश। और एक चीज़ दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये बैंगन की ये बैंगन का पौधा है, ये एक बाल्टी पे लगा हुआ है, एक बाल्टी में लगा हुआ है। इसमें ये देखिए छोटा सा बैंगन भी आया है। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लगाया हुआ है, जैसे कि उसमें है लाल साग, और यहाँ और वहाँ में है, अभी तो है सरसों, और ये इसे क्या बोलते हैं मुझे ठीक से नहीं, इस वाले को क्या साग कहते हैं मुझे नहीं पता, पर ये सब तो पालक है और सरसों है, उसमें भी पालक है और उसमें है लाल साग।
ये बाहर का मौसम देख के मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि जाऊं जाऊं। एक्चुअली मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, पता नहीं क्यों आजकल रोज़ मुझे मेरा ना सर दर्द हो रहा है हर रोज़। तो थोड़ा देर टीवी भी देखती हूँ, उसके बाद कपड़े सारे लेकर के आने हैं जो सूख गए थे, उन सब को फोल्ड करके रखना है। आरुषि का ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाएगा तो उसे उठाऊंगी, और उसको ना आज आइसक्रीम दूंगी, फ्रिज में मैंने आइसक्रीम रखा है उसके लिए। उठेगी तो आइसक्रीम दूंगी, ना तो सीधा ट्यूशन जाएगी एकदम बिना परेशान किए। ओके चलो मम्मी, अब नहीं जा रहे। ओके चलो। बैग था वही रखो, हम घर आ गए। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 7:15, और अभी अभी हम आरुषि को लेकर के आए हैं ट्यूशन से। बाहर जैसे मैं लेने जा रही थी ना तो बूंदाबांदी होने लगी थी बारिश, तो आरुषि यहाँ ट्यूशन में पढ़ाई नहीं करती है, लेकिन घर में आकर के इसका किताब निकल जाता है। तो नवीन का आने में अभी है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि वो गया हुआ था थोड़ा बाहर तरफ, तो उसने कहा कि आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो रात के खाने में मैं सिर्फ अभी चावल बनाऊंगी, क्योंकि मछली जो दोपहर को बनाया था ना वो काफ़ी रखा हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ चावल बनाऊंगी। वैसे भी नवीन रात को थोड़ा सा चावल खाना चाहता ही है, तो बस वही चावल ही बनाऊंगी और कुछ नहीं। आज देखते हैं, अगर 8 बजे तक आ जाता है तो चाय बनाऊंगी, वरना चाय नहीं बनाऊंगी। बहुत गर्मी, बाहर निकलने से इतना गर्मी लग रहा है ना कि थोड़ा सा भी हवा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। बारिश हो रहा है तो हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अभी एक आरुषि ज़्यादा टाइम आइसक्रीम खा कर गई थी, फिर अभी खाने लगी एक। हाँ लगा देते हैं। तो अभी थोड़ा देर में मैं आरुषि को पढ़ाऊंगी, वो कल से उसका स्कूल है, तो वो स्कूल का होमवर्क वगैरह जो भी है वो सब कंप्लीट करेगी। उसके बाद उसके पहले ही शायद नवीन आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।